पूरा 11th का सिलेबस बहुत अच्छे से करना होता है, साथ सबके ऊपर क्वेश्चंस करने होते हैं. आप जहाँ से भी क्वेश्चंस कर रहे होते हो, आजकल देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल एवरीवेयर एंड ऑल ऑफ इट इज़ वेरी वेरी गुड, स्पेशली फ्रॉम अ नीट लेवल परस्पेक्टिव, राइट? सो सारे जो सवाल होते हैं आपके जो इंस्टीट्यूट आपको मटीरियल देंगे वो भी आप अच्छे से कर सकते हो. लेकिन एनसीईआरटी के एंड में जो सवाल होते थे काफ़ी लंबे लेंदी होते थे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते, बट मैं वो करती थी चैप्टर के साथ, मैं करती जाती थी. और फिर जो मेरे वीक पॉइंट्स थे, आई एंटर 12th with a nice amount of backlog in physics, especially the thermodynamics and the fluid mechanics part. इसके मुझे आज भी मुझे कभी सवाल मिलते हैं, या फिर ऐसे हम ब्लड के फ्लो के बारे में पढ़ रहे होते हैं कॉलेज में, मुझे अभी भी फॉर्मूले देख के लगता है कि वो दो ऐसे मैंने कितना स्ट्रगल किया था इनको देखे तब.